नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। खबर बलिया से है, जहां रसला कोतवाली क्षेत्र के लखनेश्वर गांव में मंदिर के बगल में स्थित मकान में देह व्यापार का आरोप लगा है। आरोप है कि प्राचीन मंदिर में सटे विवाहित मकान में देह व्यापार का अनैतिक कार्य चल रहा है, जिसे लेकर स्थानीय लोगों में रोष व्याप्त है। इस मामले को लेकर मंदिर ट्रस्ट के लोगों ने डीएम से शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। रसला तहसील के लखनेश्वर गाँव में श्री ठाकुर जी महादेव का प्राचीन मंदिर है। ट्रस्ट के तहत मंदिर के पास ही मकान को लेकर विवाद चल रहा है। आनंद मोहन मिश्रा, ब्यूरो चीफ, बलिया। जी सर, आपको पढ़ते। मेरा नाम गणेश जायसवाल है, मेरे पिताजी का नाम श्री देखीलाल जायसवाल है। मैं कस्बा रसड़ा का निवासी हूँ। मेरे पिता ठाकुर जी महादेव जी के सर्वकार हैं। ठाकुर जी महादेव जी की संपत्ति पर कुछ अवैध लोगों ने फर्जी कागज तैयार करा करके मंदिर की संपत्ति को कब्जा कर दिया। आज यहाँ पर जिलाधिकारी कार्यालय पे आए हैं, क्या है मामला? मैं जिलाधिकारी महोदय से एक शिकायत लेकर के आया था कि मेरी मंदिर की ज़मीन पर कुछ अवैध लोग वैश्यालय चला रहे हैं खुलेआम, उसी को बंद कराने के लिए और भवन को खाली कराने के लिए प्रार्थना पत्र देने के लिए आया था। क्या वहाँ पर क्या मामला है? वहाँ पर खुलेआम वैश्यावृत्ति होती है, मोहल्ले के लोग परेशान हैं। वहाँ पर ये लोग जब चाहे जो चाहे किसी को भी मारते पीटते हैं। 200 फीट की दूरी पर वहाँ पर मंदिर भी है, हनुमान जी का, माता दुर्गा का, शिव जी का, और लोग यहाँ पर वैश्याले चला खुलेआम। क्या आपके पास कुछ प्रूफ है? हाँ, मेरे पास प्रूफ है। क्या प्रूफ है? मेरे पास ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है, खतौनी है, हर चीज़ है। आप क्या जिलाधिकारी महोदय से? हम जिलाधिकारी महोदय से यही हमारी मांग है कि वैश्याले को तत्काल प्रभाव से बंद कराया जाए और जो भवन पर वो लोग कब्जा किए हैं वो भवन खाली कराया जाए। खाली कितने समय से खेल वो सब चला जा रहा है? ये काफ़ी दिनों से, बहुत दिनों से। तो क्या वहाँ पर खुलेआम ये सब होता है? जी, खुलेआम होता है। तो वहाँ के प्रशासन और आप लोग शिकायत नहीं किए? लगातार शिकायत किए हैं, लेकिन उस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं है। उसी को लेकर के आज हम डीएम महोदय से मिले। उन्होंने क्या? उन्होंने ठोस आश्वासन दिया है कि बहुत ही जल्द आपकी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा।